अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर फाइन। सो इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम फोर्स के बारे में ये पढ़ेंगे कि फोर्स जो है ये स्केलर क्वांटिटी है या वेक्टर क्वांटिटी है। सबसे पहले मैं आपको थोड़ी सी जानकारी दूँ कि स्केलर क्वांटिटी जो है ये वो क्वांटिटी होती है जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है। मैग्नीट्यूड का मतलब क्या है? मैग्नीट्यूड का मतलब होता है साइज। जैसे अगर हम जो है कभी कभार बोलते हैं कि इस बॉडी का कितना मास है, तो हम जो ये बोल रहे हैं इसमें कितना मास है, तो हम इसका साइज़ देखना चाहते हैं। तो ये जो हम देख रहे हैं इसका साइज़ कितना है, इसका मतलब होता है मैग्नीट्यूड। ठीक है, अब जिस क्वांटिटी में सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है उसको हम स्केलर क्वांटिटी बोलते हैं। अब जिस क्वांटिटी में बोथ मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन होता है, तो वहाँ हम उस क्वांटिटी को वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं। तो जिस क्वांटिटी में अब मैग्नीट्यूड भी होगा और डायरेक्शन भी होगा, तो वहाँ उस क्वांटिटी को हम वेक्टर क्वांटिटी कहेंगे, और जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड होगा उसको हम स्केलर क्वांटिटी कहते हैं। अब हम देखेंगे फोर्स में क्या यहाँ पे सिर्फ मैग्नीट्यूड है या डायरेक्शन भी है। अगर सिर्फ मैग्नीट्यूड है तो फोर्स जो है ये स्केलर क्वांटिटी है। अगर इसमें मैग्नीट्यूड भी है और एज वेल एज डायरेक्शन भी है, तो यहाँ पर हम कहेंगे कि फोर्स जो है ये वेक्टर क्वांटिटी है। लेट्स सी, यहाँ पे आप देखते हैं कि इस टेबल के ऊपर एक बॉक्स है, एक बॉक्स रखा हुआ है इस टेबल के ऊपर। तो अगर हम देखेंगे क्या यहाँ पे इस बॉक्स के ऊपर कोई फोर्स लग रहा है, अगर हम गौर से देखेंगे तो यहाँ पे डाउनवर्ड्स एक फोर्स लग रहा है ग्रेविटेशनल फोर्स, और अपवर्ड्स इस पे और एक फोर्स लग रहा है नॉर्मल फोर्स। तो ग्रेविटेशनल फोर्स डाउनवर्ड्स लग रहा है, और इस ये जो टेबल का सरफेस है, ये जो बॉक्स के ऊपर फोर्स लगा रहा है, दैट्स नॉर्मल फोर्स। तो ये दोनों फोर्स जो इस पे लग रहे हैं, एक ग्रेविटेशनल फोर्स ये डाउनवर्ड्स लग रहा है और नॉर्मल फोर्स अपवर्ड्स लग रहा है, तो दोनों आपस में इक्वल है और नेट फोर्स जीरो है, ये बैलेंस हो जाता है। तो ये स्टेशनरी ऑब्जेक्ट जो इस पे बॉक्स रखा हुआ है, जब तक इसके ऊपर नेट फोर्स जीरो है तब तक ये बॉक्स रेस्ट में रहेगा, इसमें कोई चेंज नहीं आएगी। ये बॉक्स तब तक मूव नहीं होगा जब तक इसका नेट फोर्स जीरो है। अब अगर हम इस बॉक्स के ऊपर एक और फोर्स लगाते हैं टुवर्ड्स द राइट, दैट्स पुश। अगर हमने इसको पुश लगाया तो हम देखते हैं ये बॉक्स टुवर्ड्स द राइट मूव होता है। तो ये जो टुवर्ड्स द राइट मूव हुआ, ये तब हुआ जब हमने इसके ऊपर एक्सटर्नल फोर्स और एक एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई किया, दैट्स पुश, जो अनबैलेंस्ड फोर्स है, जिसने बैलेंस्ड फोर्स को अनबैलेंस किया और इस बॉक्स को टुवर्ड्स द राइट मूव किया। अब यहाँ पे हम ये फोर्स किस तरह से दिखाते हैं, हम यहाँ पे ये फोर्स दिखाते हैं किससे, एरो से। ये जो हमने ये एरो से यहाँ पे ये फोर्स दिखाया, यहाँ पे ये रिप्रेजेंट करता है कि हम यहाँ डायरेक्शन दिखाते हैं। जैसे हमने ग्रेविटेशनल फोर्स का डाउनवर्ड्स दिखाया, नॉर्मल का अपवर्ड्स दिखाया, और पुश का हमने टुवर्ड्स द राइट दिखाया। तो ये क्वांटिटी वेक्टर क्वांटिटी है जिसमें मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है। तो जिसमें मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होता है उसको हम वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं। तो फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि यहाँ हम एरो से दिखाते हैं इसकी डायरेक्शन। जिस तरह हमने ग्रेविटेशनल फोर्स का डाउनवर्ड्स दिखाया, नॉर्मल फोर्स का अपवर्ड्स दिखाया, और पुश का हमने टुवर्ड्स द राइट दिखाया, तो ये जो हमने इसमें डायरेक्शन दिखाया, हम यहाँ पे कहते हैं कि इसमें डायरेक्शन भी है एज वेल एज मैग्नीट्यूड भी है। तो ये क्वांटिटी वेक्टर क्वांटिटी। सपोज हमने इस पे जो पुश किया वो हमने 5 न्यूटन का जो है पुश किया। न्यूटन क्या होता है? न्यूटन फोर्स का यूनिट होता है। जिस तरह हम मास को केजी में नाप लेते हैं या हम लेंथ को जो है मीटर में नाप लेते हैं, इसी तरह हम फोर्स को न्यूटन में नाप लेते हैं। जो आप ये आगे हायर क्लास में देख लेंगे न्यूटन होता क्या है, कहाँ से ये आता है। अभी आप सिर्फ इतना याद रखेंगे कि ये न्यूटन फोर्स का यूनिट होता है। तो हम मान लेते हैं ये जो हमने पुश किया, ये हमने 5 न्यूटन का इसके ऊपर जो है पुश किया है। तो यहाँ पे ये बॉक्स क्यों टुवर्ड्स द राइट जो है मूव होता है, जबकि इसके ऊपर ग्रेविटेशन फोर्स भी लग रहा है, नॉर्मल फोर्स भी लग रहा है, लेकिन जब हमने इसके ऊपर 5 न्यूटन का फोर्स लगाया तो हमने देखा ये टुवर्ड्स द राइट मूव हुआ। यहाँ पे इसके ऊपर जो है और भी फोर्स लग रहा है। अगर हम इसको गौर से देखेंगे तो यहाँ इस बॉक्स का जो ये बॉक्स जो टेबल के ऊपर रखा हुआ है, ये सरफेस के साथ इन टच है, इन कॉन्टैक्ट है, तो यहाँ और एक फोर्स लग रहा है, दैट्स फ्रिक्शन। और दूसरा फोर्स इसके ऊपर लगेगा आयर रेजिस्टेंस। ये दोनों फोर्स, फ्रिक्शन और आयर रेजिस्टेंस जो है, ये अपोजिट टू द पुश लगेगा।
अब अगर इस पे जो है एयर रेजिस्टेंस भी लग रहा है और फ्रिक्शन भी लग रहा है, विच इज़ अपोजिट टू द पुश विच इज़ ऑफ 5 न्यूटन, तो फिर भी ये बॉक्स टूवर्ड्स द राइट मूव क्यों होता है? तो यहाँ हमें ये पता चलता है कि जो एयर रेजिस्टेंस और फ्रिक्शन है, ये जो फोर्सेस लग रहे हैं अपोजिट द पुश, तो ये कम है किससे? पुश से, क्योंकि नॉर्मल फोर्स और ग्रेविटेशन फोर्स कैंसिल होता है, फिर यहाँ फोर्स रहता है पुश और अपोजिट यहाँ पे फोर्सेस रहते हैं आयर रेजिस्टेंस और फ्रिक्शन। तो पुश जो है ये ज़्यादा है, दिस इज़ मोर देन आयर रेजिस्टेंस प्लस फ्रिक्शन। तो पुश जो हमने 5 न्यूटन का फोर्स किया वो ज़्यादा है, दैट्स मोर देन फ्रिक्शन एंड आयर रेजिस्टेंस, वो फ्रिक्शन और आयर रेजिस्टेंस वो लेस है, इसीलिए ये पुश की वजह से ये बॉक्स जो है टूवर्ड्स द राइट मूव होता है। तो ये सारा जो हमने यहाँ पे इसके ऊपर जो फोर्स लगते हैं, ये सब हम एक डायग्राम से दिखाते हैं जिसको हम फ्री बॉडी डायग्राम बोलते हैं। इस फ्री बॉडी डायग्राम में होता क्या है, इसमें हम हर एक फोर्स एक एरो से दिखाते हैं, और ये एरो रिप्रेजेंट क्या करता है, ये एरो रिप्रेजेंट करता है मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड किस तरह से ये रिप्रेजेंट करता है कि इस जो है एरो में जो है इसमें जो लाइन है ये लाइन कितना बड़ा होगा वो इसका मैग्नीट्यूड होता है, और इसका जो आगे से पॉइंट जो है एरो में वो इसकी रिप्रेजेंट करता है डायरेक्शन। तो यहाँ जितना इसमें इस एरो में जितनी लाइन की लेंथ ज़्यादा होगी तो उतना ज़्यादा मैग्नीट्यूड होगा। तो यहाँ हम इससे ये देख सकते हैं कि कौन सा एरो कितना बड़ा है, कौन सी किसके अंदर कितनी लाइन बड़ी है, उसमें उतना जो है मैग्नीट्यूड ज़्यादा होगा। और यहाँ हम इसमें ये भी देख सकते हैं कि ये जो फ्री बॉडी डायग्राम है, ये फ्री बॉडी डायग्राम हमें दिखाएगी कि फोर्स किस तरफ लगता है, और दूसरी बात हमें ये पता चलेगा क्या ये बैलेंस्ड है कि नहीं है, ये फोर्स जो इसमें लग रहे हैं सारे ये बैलेंस्ड है कि अनबैलेंस्ड है, और इस जो है इस बॉडी में जिसके ऊपर फोर्स लग रहा है इसमें फोर्स का डायरेक्शन क्या है, ये बॉडी किस तरफ मूव होगी वो हमें इस फ्री बॉडी डायग्राम में पता चलेगा। और ये हमें तब पता चलेगा जब हम यहाँ पे देखेंगे कि इस फ्री बॉडी डायग्राम में जो सारी फोर्सेस लग रहे हैं, इन फोर्सेस को जो हमने रिप्रेजेंट किया है एरो से, इसमें मैग्नीट्यूड किसका कितना ज़्यादा है, जिसका साइज सेम होगा वो कैंसिल होंगे, जिस तरह यहाँ ग्रेविटेशन फोर्स और नॉर्मल फोर्स कैंसिल हुए क्योंकि उनका दोनों का सेम था और अपोजिट थे और वो कैंसिल हुआ, तो यहाँ फिर रहता है पुश, और अगली तरफ से यहाँ पे आयर रेजिस्टेंस और जो है फ्रिक्शन रहता है। तो आयर रेजिस्टेंस और फ्रिक्शन का जो एरो है वो उसका मैग्नीट्यूड कम है देन पुश, तो यहाँ पे हमें पता चलता है कि बॉक्स जो है वो टूवर्ड्स द राइट जाएगा। और इन शॉर्ट हमें ये याद रखना है कि यहाँ पे जो हम ये फ्री बॉडी डायग्राम में फोर्स दिखाते हैं रिप्रेजेंट करते हैं, ये हम रिप्रेजेंट करते हैं FBD से, और इस FBD में क्या होता है, इसमें हम एक लाइन से इसको रिप्रेजेंट करते हैं जिसमें एरो होता है, जिसमें आगे टिप होता है और वो रिप्रेजेंट करता है इसकी डायरेक्शन। तो फोर्स में मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है, सो ये फोर्स जो है ये वेक्टर क्वांटिटी है। थैंक यू, गुड बाय। अगली वीडियो में हम अब जो है प्रेशर के बारे में फर्दर पढ़ेंगे कि प्रेशर का कॉन्सेप्ट क्या है, उसके बारे में जितने टॉपिक्स है वो हम स्टडी करेंगे। टिल देन थैंक।